हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माहेश्वरी रसोई। आज आपके साथ मैं बहुत फेमस मिठाई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है गुलाब जामुन। ये सभी को खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मावा यानी कि खोआ, 50 ग्राम पनीर, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, थोड़ी सी चिरौंजी, थोड़े से काजू कटे हुए और 50 ग्राम मैंने मैदा ली है, 4 हरी इलायची और आधा नींबू का रस, वो हम चाशनी में यूज़ करेंगे जिसने चाशनी हमारी जमे नहीं, और आधी किलो चीनी ली है और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करेंगे रिफाइंड ऑयल। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जितनी मैंने चीनी ली है इसका जस्ट हाफ मैं पानी लेकर चाशनी बना लूँगी, और जितने हमारी चाशनी बन रही है उतने हम ये रसगुल्लों की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम पनीर को कस लेंगे, और पनीर को कद्दूकस करने के बाद में हम उसे हाथ से मसल कर अच्छा चिकना कर लेंगे, और जैसे ही पनीर थोड़ा चिकना होता है हम इसमें सिर्फ एक पिंच, इस समय आप बहुत कम बेकिंग पाउडर यूज़ करें, सिर्फ एक पिंच से ज़्यादा यूज़ ना करें 250 ग्राम के लिए, और पनीर ये बेकिंग पाउडर डालने के बाद में काफ़ी हल्का हो गया है। अब हम इसे एक साइड से रख देंगे, और हमारे पास ये जो मावा है 50 ग्राम हमारे पास पनीर है और 200 ग्राम मावा, कुल मिला के हमारे पास 250 ग्राम वज़न है। अब हम इसे भी कद्दूकस कर लेंगे। अब देखिए ये मावा भी कद्दूकस हो चुका है और ये चाशनी भी तैयार हो गई है। अब हम इसमें ये आधा नींबू का रस डाल देंगे। रस डालने से फ़ायदा ये होगा कि चीनी हमारी की चाशनी अब जमेगी नहीं, और हम मावे को, पनीर को और ये जो हमने 50 ग्राम मैदा ली थी ये, और थोड़ा बेकिंग पाउडर हमने पहले डाला था और जितना हमने पहले लिया था उसका जस्ट डबल हम बेकिंग पाउडर इस समय डाल देंगे, और इसे हम हल्के हाथ से मसलते हुए चिकना करेंगे। इस समय बहुत ताकत का यूज़ ना करें। इसे मैंने मसल कर अच्छी तरह चिकना कर लिया है, और इसे मसलने में मुझे करीब 2 से 3 मिनट लगे हैं। और देखिए अब आप एक बार गोला बना के देख लीजिए कि इसमें कहीं कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अब हमें जितना गुलाब जामुन एक बनाने में लगेगा उससे जस्ट डबल लेकर, और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं ये ले लेंगे, और आप चाहें तो इसमें एक पिंच कलर घेर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, बिल्कुल ही एक पिंच कलर, ज़्यादा यूज़ ना करें सिर्फ इतना सा। और इसी समय हम इसमें एक चम्मच चाशनी डाल देंगे जिससे ये अंदर से भी हल्का सा मीठा हो जाए, और हम इन सब चीज़ों को एक साथ मिला, और इलायची भी मैंने बारीक पीस ली है, आधी इलायची हम इसमें मिलाएंगे और आधी हम चाशनी में मिला देंगे। और इसे अच्छी तरह मिला देंगे, और अब हम ये जो हमारा मावा, पनीर और मैदा का मिश्रण है इसके हम एक जितना बड़ा छोटा नींबू होता है, या अपने इच्छा से आप थोड़े से बड़े या ज़्यादा इसके गुलाब जामुन बना सकते हैं। हम इसके पेड़े तोड़ लेंगे इस तरीके से, और मैंने ये सभी के लोए तोड़ लिए हैं, और जितने हमने ये पीस बनाए हैं उतने ही हम इसके पीस बना लेंगे। और अब हम इसका एक एक पेड़ा उठाएंगे, और जिस तरीके से हम कचौड़ियाँ स्टफ करते हैं या भरवा पराठे स्टफ करते हैं बस उसी तरीके से हम इसमें एक एक पेड़ा ये स्टफ कर देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा, कई बार हम रसगुल्ले बनाते हैं उसमें बीच में गांठ रह जाती है, इससे वो गांठ नहीं रहेगी और ये कटने के बाद देखने में भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और बस इस तरीके से ये गोल करके, इसमें बस कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से मैं ये सब बना लूँगी।
ये इस तरीके से। और इसी बीच हमने ये रिफाइंड भी गर्म होने रख के लिए रख दिया है। रसगुल्ले के लिए आप रिफाइंड इतना रखें कि रसगुल्ला एक बार उसमें डूब सके। और रसगुल्ला सेकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म रिफाइंड की ज़रूरत नहीं होती है, आप मीडियम रिफाइंड पर ही आप रसगुल्ले को छोड़कर देखिए। पहले आप एक रसगुल्ला सेक कर देखिए, अगर किसी भी स्टेज पर लगता है कि रसगुल्ला फट जाएगा तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा और मिला सकते हैं। और रसगुल्ले को एक बार रिफाइंड में डालने के बाद आप उसे तुरंत ना छुएं, सिर्फ इस तरीके से उसके ऊपर आप हल्के हल्के से रिफाइंड डालें, क्योंकि ये मावा पनीर और थोड़ी सी मैदा का मिश्रण है, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा चम्मच से छुएंगे तो ये फूट जाएंगे। और देखिए हमारे रसगुल्ले एकदम परफेक्ट हैं। अब मैं इसमें बाकी के रसगुल्ले भी डाल देती हूँ। और जितने गुलाब जामुन एक बार कढ़ाई में आकर अच्छी तरह घूम सकें सिर्फ हम उतने ही डालेंगे। और इस तरीके से इनके ऊपर हम रिफाइंड डालते हुए मीडियम फ्लेम से और लो फ्लेम पर ही हम इन्हें सेकेंगे, इनके लिए हम हाई फ्लेम नहीं करेंगे। और जो गुलाब जामुन मैंने सबसे पहले डाला था वो देखिए एकदम सीख चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। और इसे हम, ये हमारी चाशनी अभी हल्की गर्म है, इसी समय हम ये इसमें डाल देंगे। और देखिए गुलाब जामुन एकदम हल्का होकर ऊपर आने लगता है, इसका मतलब ये सिकने ही वाला है। समय हम इसे उलट पलट कर अच्छी तरह सेक लेंगे। गुलाब जामुन सेकने में कम से कम हमें 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। और देखिए अब गुलाब जामुन सेकते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और इन सब पे एक बहुत अच्छा कलर आ गया है। और मैंने पूरे टाइम गुलाब जामुन लो फ्लेम पर ही सेके हैं। और अब हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। और बाकी के गुलाब जामुन हम रिफाइंड में डाल देंगे। और ये सिके हुए गुलाब जामुन हम हल्की गुनगुनी चाशनी में डाल देंगे। और देखिए गुलाब जामुन इतने अच्छे और सॉफ्ट बने हुए हैं कि ये एकदम चाशनी के ऊपर तैर रहे हैं, आप ये देखिए। और इन्हें हम 10 मिनट तक इसी तरीके से चाशनी में पड़ा रहने देंगे। और करीब 10 मिनट बाद ये गुलाब जामुन ने चाशनी अच्छी तरह पी ली है और ये वजन में थोड़े भारी हो चुके हैं और ये काफ़ी सॉफ्ट है। गुलाब जामुन में हमें किसी गार्निशिंग की ज़रूरत नहीं है, ये देखने में वैसे ही इतने सुंदर है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ये गुड लुकिंग और टेस्टी गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं। इन्हें बनाना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैंने जो आपको टिप्स और ट्रिक्स दिए हैं अगर उनकी मदद से आप इन्हें बनाएंगे तो इसे बनाना बहुत सरल हो जाएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।